Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 8. इससे पहले हम 7 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं. जिन बच्चों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है. यहाँ पर हमें दे रखा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन 21 to 100. इससे पहले हमने एडिशन किए थे, 0 to 9 तक भी किया था, उसके बाद 11 to 20 तक किया था और आज हम करने जा रहे हैं 21 to 100 तक. क्योंकि हमने पीछे की जो एक्सरसाइज की थी उसके अंदर 100 तक की जितनी भी डिजिट थी उन सबको हमने अच्छे से सीखा था और समझा था. तो यहाँ पर हमें ऐड के साथ साथ हमें क्या दे रखा है, अबेकस दे रखा है और इस अबेकस को हमें साथ के साथ फील करना है. तो यहाँ पर हमें 45 दे रखा है तो वंस के प्लेस पे आएगा यहाँ पर 5 और टेंस के प्लेस पे आएगा 4. दोनों तरीके की डिजिट दी हुई है, सेम यहाँ पर है 3 वंस एंड 2 टेंस. अब हम इनको ऐड करेंगे. ये है हमारे 5. आप फिंगर पे काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5. यहाँ 5 कंप्लीट हुआ, इसके बाद 3 है, 1 2 3. अब यहाँ पर हमारा फिनिश हुआ तो यहाँ से हम वापस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हमारे पास ये आंसर क्या गया, 8. ये है 4 काउंट करेंगे, 1 2 3 एंड 4. यहाँ तक 4 आ गया, फिर 2 काउंट किया, 1 एंड 2. यहाँ फिनिश हुआ तो 1 2 3 4 5 6. तो हमारा आंसर आ गया ये, इट मीन्स 68. अब हमें यहाँ अबेकस पे शो करना है तो सबसे पहले ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8. ये कितना है आपका, 6 है, 1 2 3 4 5 6. इस तरीके से आप इनको अलग 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 जो कलर होते हैं उससे आप सर्कल बना सकते हो. नेक्स्ट हमें दे रखा है यहाँ पर 2 एंड 3, 7 एंड 2. हमेशा ही आपको क्या करना है, जब भी आप डिजिट रिटर्न करना स्टार्ट करोगे तो 1 से करनी है, 7 और 2 होता है यहाँ पर 9, 3 और 2 होता है 5. आप अपने फिंगर से इनको काउंट कर सकते हैं. तो हमारे पास टोटल आ गया है 59. फिर हम यहाँ भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. यहाँ पे 9 हो गया. फिर 5 भरेंगे, 1 2 3 4 5. इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 5 वंस है और 5 ही टेंस है, 3 वंस एंड 2 टेंस. 5 और 3 होता है आपका 8, 5 और 2 होता है 7. इट मीन्स आपका आंसर आ गया 78. तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. 1 2 3 4 5 6 7. अब तक हमें दे रखा था यहाँ अबेकस को फील करना, बट अब हमें यहाँ पर जो ऐड दे रखे हैं उनके अंदर हमें कोई भी अबेकस फील नहीं करना है. ये है आपका 6 6 और 2. 6 और 2 को मिलाओगे तो हो गया आपका 8. 5 और 3, 5 6 7 8. 5 एंड 2 7. 6 एंड 2 8. 5 एंड 2 7. 7 एंड 1 8. 5 एंड 2 7. 8 और 1 हो गया आपका 9. 5 और 1 हो गया आपका 6. 6 एंड 2 हो गया आपका 8. 4 एंड 3 7. 2 एंड 3 5. 5 एंड 4 9. 2 एंड 3 5. 7 एंड 2
9, 4 and 2, 6, 6 and 3, 9, 2 and 3, 5. इसी तरीके से आप अपनी फिंगर से, लाइन से, जिस भी तरीके से आप चाहो इनको आप ऐड कर सकते हो। 7 और 1 होता है 8, 4 एंड 3 हो गया आपका 7। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 6 एंड 3, 6 एंड 3 होता है 9, 4 एंड 3 हो गया आपका 7। इसके बाद नेक्स्ट 7 और 2, 9, 4 एंड 3, 7, 5 एंड 2, 7, 3 एंड 1, 4, 5 एंड 2, 7, 6 एंड 3 हो गया हमारा 9, 5 और 0 को ऐड करोगे तो 5 का 5 रहेगा, 3 एंड 3 हो गया आपका 6। तो ये था आपका एडिशन। अब इसके बाद आता है आपका सेम डिजिट के साथ सब्ट्रैक्शन। जैसा हमने अभी एडिशन को किया था एक्सरसाइज 8A में, ऐसे ही हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे 5, 5, 3 एंड 3। अब आपके पास 5 चॉकलेट थी जिसमें से आप 3 को खा चुके हो तो आपके पास बच गई 2। फिर सेम 5 चॉकलेट 3 खा चुके तो आपके पास बच गई है 2। आपका आंसर आया यहाँ पे 22। अब एक इसमें फील करना है 1, 2, 1 एंड 2। इसी तरीके से नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है, यह हमने फील किया 6 और यह हुआ 8, ये है आपका 2 और यह है आपका 3। अब आपको पता है कि आपके पास 6 चॉकलेट थी और 6 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट आप खा गए तो आपके पास कितनी बची हैं? अब बची हैं आपके पास 4। यहाँ पे है 8, एक डाली पे 8 कबूतर बैठे थे जिनमें से 3 उड़ गए तो वहाँ पे कितने बच गए हैं? 5। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 54। तो हम यहाँ भरेंगे 1, 2, 3 एंड 4, फिर 5 भरना है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये हमारा अब एक इसमें भी भरा गया। इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ दे रखा है 9 ones 9 tens, 8 ones और 4 tens। यहाँ पे हमारे पास 9 चॉकलेट है और 9 में से 8 हमने खा ली तो हमारे पास बची है 1। यहाँ पे हमारे पास 9 लड्डू थे और 9 लड्डू में से हम 4 खा गए तो हमारे पास बच गए हैं 5। तो हमारा आंसर आ गया 51। तो जब हम अब एकस में भरेंगे तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हमें करने हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, जैसे ये 5 है, ये हमारे पास 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, इनमें से 2 को हमने खा लिया तो हमारे पास कितने बच गए? 1, 2, 3। तो हमारे पास कितना बचा है यहाँ पर? 3। अब ये है 7, तो ये हो गया हमारा 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 7 में से 4 खा जाइए, 2 एंड 2, 4 खा गए तो कितने बचे हमारे पास? 1, 2, 3। तो इस तरीके से आप अपनी फिंगर पे कर सकते हो। यहाँ पे है 5, जब आपके पास 5 चॉकलेट है, 2 आपने फिनिश कर दी तो बच गई 3, और 8 है, 8 में से 5 को फिनिश किया तो भी बच गया आपके पास 3। यहाँ पे है 8, 8 में से 6 गया तो कितना बच गया? 2। ये है 9, 9 में से 4 गया तो आपके पास बच गया 5। 7 है, 7 में से 6 गया तो बच गया है 1, और 8 में से 5 गया तो यहाँ बच गया 3। 8 में से 1 गया तो यहाँ बच गया आपके पास 7। ये है 7, और 7 में से 5 गया तो आपके पास बचेगा यहाँ पर 2। इसके बाद नेक्स्ट लाइन है 4 में से 0, तो 4 का 4 बचेगा, कोई असर नहीं होता हमारे। 8, 8 में से 6 गया तो हमारे पास बच गया 2। 7, 7 में से 5 गया तो हमारे पास बचेगा 2,
और 9 में से 7 गया तो भी हमारे पास बचेगा 2, 6 में से 3 गया तो 3, और फिर 6 में से 3 गया तो 3, 8 में से 4 गया तो बच गया फिर 4, और यहाँ भी 8 में से 4 गया तो हमारे पास बच गया है 4, 5 में से 0 गया तो 5 का 5 ही रह जाएगा, 5 में से 4 गया तो यहाँ बच गया आपका 1, 9 है 9 में से 6 गया तो हमारे पास बचेगा 3, और 5 में से 3 गया तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2, 8 में से 7 गया तो हमारे पास बचा 1, 6 में से 3 गया तो हमारे पास बच गया है 3, 7 में से 6 गया, 7 में से 6 गया तो हमारे पास बचा 1, और 7 में से 6 गया तो हमारे पास बच गया है 1, अब 9 और 8, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो फिर हमारे पास बच गया 1, 8 में से 4 गया तो 4, और 4 में से 2 गया तो 2। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 8C एक्सरसाइज। यहाँ 8C एक्सरसाइज में हमें दे रखा है रीचा हैज 45 टॉयज, रीचा के पास 45 टॉयज है, सी गेव 35 टॉयज टू हर फ्रेंड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टॉयज कितने हैं उसके पास 45, उसने अपने दोस्त को दे दिए। अगर आपके पास कोई 10 टॉयज हैं, 10 खिलौने हैं और उनमें से 5 अपने दोस्त को दे दोगे, तो आप ये सोचो कि आपके खिलौने बढ़ेंगे या घटेंगे, आपके खिलौने क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो इसके लिए हम इस पे क्या करेंगे, यहाँ करेंगे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 5 है, 5 में से 5 गया तो 0, और 4 में से 3 गया तो 1। उसने पूछा है हाउ मैनी टॉयज आर लेफ्ट विद रीचा, अब रीचा के पास कितने खिलौने बचे हैं, अब रीचा के पास बचे हैं 10 टॉयज। जब आप अपनी चीज़ किसी को दे देते हो तो आपकी चीज़ें घट जाती हैं, अगर कोई आपको अपनी चीज़ें दे देता है तो उससे क्या होता है, आपकी चीज़ें बढ़ जाती हैं। अब यहाँ दे रखा है प्रीतेश हैज़ 25 स्टोरी बुक्स, प्रीतेश के पास 25 कहानियों की किताबें हैं, हीज मदर गेव हिम, उसकी माँ ने उसे दी 5 मोर बुक्स, 5 किताबें और दे दी, हाउ मैनी बुक्स डू प्रीतेश हैव, तो अब आप ये बताओ कि आपके पास ऑलरेडी ही 25 किताबें तो थी और 5 किताबें मम्मा ने आपको और दे दी, तो आपकी किताबें बढ़ेंगी या घटेंगी, तो आपकी किताबें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 5 और 5 हो गया आपका 10, 1 कैरी लगी 2 and 1 3, तो आपके पास अब टोटल किताबें कितनी हो गई हैं, 30। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है रिद्धि हैज़ ₹35 इन हर पिगी बैंक, रिद्धि के पिगी बैंक में जो छोटा सा गुल्लक होता है बच्चों के पास, उसमें उसके पास 35 रुपीज हैं, सी स्पेंट ₹14 फ्रॉम इट, उसने इसमें से 14 रुपीज को खर्च कर दिया। अब आप ये बताओ कि कोई चीज़ आपने रखी है और उसके अंदर से यूज़ कर लोगे तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी घट जाएंगी, तो घटने के लिए तो आपको सीधा सीधा पता है क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम यहाँ करेंगे इसका सब्ट्रैक्शन, 5 में से 4 गया तो बच गया यहाँ पे 1, 3 में से 1 गया तो यहाँ बच गया 2, तो अब उसके पिगी बैंक में कितने रुपीज हैं, 24। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 8A, B और C। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको वीडियोज़ कैसे लगते हैं और आप लोग वीडियोज़ कहाँ कहाँ से देख रही हैं।